देपालपुर में स्थानीय कृषि मंडी में विजयादशमी के उपलक्ष्य में 51 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन समिति संयोजक संतोष ठाकुर ने बताया कि पिछले 28 वर्षों से मेरे एवं मेरे साथियों के जन सहयोग से रावण बनाकर विजयादशमी के दिन नगर के विशाल जनसमूह की मौजूदगी में रावण का दहन किया गया है। रावण दहन के पूर्व जम कर आतिशबाजी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे मौजूद थे और सभी ने एक दूसरे को विजयादशमी की बधाई दी। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का दहन किया था, उसी के प्रतिरूप में बुराई पर अच्छी जीत के समय में ये आयोजन 28 वर्षों से मेरे और साथियों द्वारा और उनके सहयोग से सतत सफलता निर्माण ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद के साथ साथ बहुत बहुत आभारी भी हूँ। और जैसा कहा जाता है कि एक आतंकवाद के रूप में और आज का जो चल रहा है समय वो भी उस रूप में उसका निर्वाह करते हैं। आप सभी को दोबारा बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के बेटमा जिले में प्रदेश के ऐतिहासिक दशहरे